महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आरंभ हाल ही में हुआ। 3 दिवसीय समागम के पहले दिन निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षाजी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब परमात्मा का बोध हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा के मिलन से एकत्व स्थापित होता है, फिर जीवन में मानवीय गुणों का आना स्वाभाविक हो जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने सदगुरु माताजी व निरंकारी राजपिताजी से मुलाकात कर सभी निरंकारी भक्तों को सत्य रूपी परमात्मा व अपने सदगुरु पर निष्ठा व विश्वास रखने की प्रेरणा दी है। कार्यक्रम से पूर्व नागपुर के सोमठाना हैंगना स्थित मिहान एसडीजेड एवं पतंजलि फूड फैक्ट्री के पास वाले विशाल मैदानों में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी के दिव्य आगमन पर भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में दूसरी ओर विभिन्न झांकियों के द्वारा मिशन की शिक्षा पर आधारित देश विदेश की अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।